हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम टॉपिक ले रहे हैं एफएमओ थ्योरियल मेथड फ्रंटेंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मोस्ट टाइम ये टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, इसको आपको अच्छे से कम्प्लीट करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम यह इलेक्ट्रॉन साइक्लो रिएक्शन की एनालिसिस एंथर अटेनेटिव मेथड, जो कि बहुत वेरी इजी है। इस मेथड में इलेक्ट्रॉन साइक्लो मेथड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले ओपन चेन कंपाउंड के होमो की सिमेट्री प्रॉपर्टी के बेस पर प्रोसेस का डिटरमिनेशन किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि जो एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है, ठीक है, उनमें एनालिसिस जो होते हैं वो अल्टरनेटिव मेथड जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होता है, और इस मेथड में इलेक्ट्रॉन साइक्लो मेथड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस ये जो मेथड है उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं साइक्लो मेथड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे में करने वाले जो पार्टिसिपेट करने वाले जो ओपन चेन कंपाउंड होंगे वो होमोसिमेट्रिक प्रॉपर्टी के बेस पर, मतलब कि देखिएगा जो ये इस मेथड में जो को फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन साइक्लो मेथड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन, तो वो ओपन चेन कंपाउंड के होमो की, जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं उनमें होमो होते हैं, तो होमो की सिमेट्री प्रॉपर्टीज के बेस पर प्रोसेस का डिटरमाइन किया जाता है। अब ये होमो कैसे होते हैं वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब आगे कह रहा है कि कौन रेडिटेरी प्रोसेस में जाइटू होमो होता है। ठीक है, इसमें जाइटू क्या होता है, होमो होता है, जिसकी सी टू सिमेट्री होती है, इसलिए म्यूटेराइन में रिंग क्लोजिंग कॉन्ड्रोरेटरी से थर्मल सिमेट्री अलाउड प्रोसेस होगी। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये इसका डायग्राम दिया गया है। अब आगे देखो तो यहाँ पर इसका डायग्राम बना हुआ है, और यहाँ पर क्या है, जाइटू यानी होमो है। ठीक है, तो होमो में सी टू होता है, सी टू सिमेट्री होती है, और ये क्या होते हैं, डेट अलाउड होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे ब्यूटाडाइन के विकर्णन पर जाइटू मॉलिक्यूल ऑर्बिटल से वन इलेक्ट्रॉन एन एम ओ कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात एक्साइटेड स्टेट में जाइथ्री होमो होगा, जो कि टू नोड रखता है जिसकी मिरर सिमेट्री होती है। अतः यह ब्यूटाडाइन साइडोब्यूटेन इंटरकोमर फोटोकेमिकली डिसरोटरी सिमेट्री अलावेड प्रोसेस होगी। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो जाई वन स्क्योर है, जाई टू स्क्योर है, प्लस है एच यू, जब इसको बैलेंस करेंगे तो जाई स्क्योर वन, जाई वन स्क्योर, जाई टू वन और जाई थ्री वन होमो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जाई थ्री है वो क्या होगा, होमो होगा। ठीक है, अब जो कि इस तरह से इसकी डायग्राम बनेगा। अब आगे देखेंगे पी एम ओ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये डायग्राम दिया गया है सेम। ठीक है, और ये जो इसका जो पी एम ओ निकालेंगे तो कैसे होगा, कॉन्ट्रेडक्टरी होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और 7 नोड होगा और एरोमेटिक होगा और डेल अलाउड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे पी एम वो अप्रोच 1,3 ब्यूटाडाइन के इंटरकन्वर्जेशन के पास में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट 4 MeMdeR होती है, तथा ट्रांजिशन के पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू पी एम ओ हकल मोलिकुलर ऑर्बिटल, यदि ट्रांजिशन स्टेट के पास 4 N इलेक्ट्रॉन तथा 0 तथा E1 नोड होते हैं, 4 N इलेक्ट्रॉन एंड जो ट्रांजिशन स्टेट एंटी एरोमेटिक होती है, न्यूड की नंबर ओड होने पर प्रॉपर्टीज रिवर्स हो जाती है। यदि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के पास 4N प्लस 2 N E एंड 0 अथवा E1 नोड होते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक होगी, नोड की नंबर नो ओड होने पर प्रॉपर्टीज रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये इस तरह से गया है, नंबर ई एस है, ये मोड है, प्रॉपर्टीज ऑफ टी एस सिमेट्री प्रो कंडीशन, और ये ठीक है, तो ये देखिएगा नंबर ऑफ, ये 4 होगा तो इसका मोड कितना होगा, 1 होगा, फिर एंटी एरोमेटिक होगा, सिमेट्री एम एस होगी और ये एच यू अलाउड होगा। इस तरह से ये सारे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये एग्जाम में बना कराना है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे, और
एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।